मंत्री रघुवरदास जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि झारखंड में जमशेदपुर से रांची का जो मार्ग है जिसमें बहुत प्रकार के गतिरोध पैदा हुए थे, कोर्ट में भी मामला चला गया था, आज उसका रिटेंडर करके इस कार्य का आज शिलान्यास हो रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। जमशेदपुर का लाइफलाइन है, क्योंकि झारखंड का मैक्सिमम उद्योग धंधे जमशेदपुर, आदितपुर, गमरिया में रहने के कारण इस सड़क की आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी थी। मुझे पूर्ण विश्वास है अब हम सड़क का शिलान्यास नहीं, अब आएंगे 18 महीना बाद तो लोकार्पण करने आएंगे। सड़क आर्थिक सामाजिक और पर्यटक स्थल को जोड़ने का मार्ग होगा। बिना आधारभूत संरचना किए ना हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, ना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और इसको ध्यान में रखकर मोदी सरकार जी ने और हमारे गडकरी जी ने जो राष्ट्रीय राजमार्ग रोग है, 4 लेन बने, 6 लेन बने, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मोदी सरकार और हमारी सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार से आज राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क और राज्य की राजमार्ग की सड़क जिस तेजी से काम कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। यूपीए की सरकार थी तब सड़क बनती थी 1.5 किलोमीटर, कितना सड़क बनती थी, 1.5 किलोमीटर। अभी मोदी सरकार बनने के बाद प्रतिदिन सड़क बन रही है 3.28 किलोमीटर। चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग रोड को जोड़ने की क्रांति हो, चाहे गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी की हो, चाहे हवाई विमान पत्तन का हवाई उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी की बात हो, तो आज देश में मोदी सरकार में जोड़ने की क्रांति हो रही है। तो मैंने जब सुदूर क्षेत्र में गांव में जब चौपाल लगाया तो हमारी बहनें हिंदी नहीं समझती, संथाल समझती, मैंने हाथ उठवाया, बोला हिंदी हम लोग नहीं समझते। और इसलिए हमने केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया कि हमारी संथाल के, हमारे सिंहभूम के बहुत सा सुदूर क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन हिंदी नहीं समझ पाते, इसलिए रेलवे स्टेशन में संथाली भाषा में अनाउंसमेंट हो ताकि हमारी संथाली जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मेरी व्यक्तिगत सोच है मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सभ्यता परंपरा हमारी पहचान है, और इसलिए 1 to 5 क्लास संथाली भाषा में बच्चों को पढ़ाई। और हमने शिक्षा विभाग को आदेश दिया जहां जहां संथाली स्कूल है वहां 1 to 5 संथाली भाषा में आप पढ़ाई शुरू करो, किताब भी सरकार निःशुल्क दे रहा है।